Okay, students, we move on to our next question. Sides AB, BC and median area of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and median PM of a triangle PQR. दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं एबीसी और पीक्यूआर, जिसमें एबी साइड प्रोपोर्शनल है पीक्यू को, बीसी साइड प्रोपोर्शनल है क्यूआर को और मीडियन एडी प्रोपोर्शनल है पीएम को। हमें क्या दिखाना है? ट्राइंगल एबीसी, पूरा ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर को। पहले हम देखेंगे गिवन क्या है, हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है एबी बाई पीक्यू बराबर है BC by QR, वो बराबर है मीडियन AD by PM। ये गिवन है, मतलब AB साइड प्रोपोर्शनेट है PQ को, BC साइड प्रोपोर्शनेट है QR को और मीडियंस AD प्रोपोर्शनेट है PM को। मीडियंस मतलब AD पड़ रहा है साइड BC पे, मतलब जितना BD होगा उतना ही DC, मतलब BD या DC पूरे BC का हाफ है। सिमिलरली PM मीडियन है तो QM बराबर होगा MR, मतलब QM या MR बराबर होगा हाफ ऑफ QR। क्यों? मीडियन जो होते हैं जिस साइड पे वो पढ़ते हैं उनको बराबर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। ओके, उसके बाद ये हमें गिवन है, मैं क्या करूंगा BC जो है इसको डिवाइड बाय टू करेंगे, तो लिखेंगे AB बाय PQ इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय टू और QR डिवाइड बाय टू, टू टू कैंसिल, वापस अपनी स्टेट में आ जाएगा। ओके, इज इक्वल टू AD बाय PM। नाउ BC बाय टू, हाफ ऑफ BC को हमें पता है BD है, या DC भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे BD के साथ काम है, मैं BD लिखूंगा। सिमिलरली QR बाय टू वो मैं लिखूंगा QM, क्योंकि QR का हाफ है QM या MR, लेकिन QM के साथ हमें काम है तो लिखेंगे QM। तो होगा AB by BQ is equal to BC by 2, half of BC, मैं लिखूंगा BD, half of QR, वो लिखूंगा QM, is equal to AD by PM। Equation first, दो triangles लेंगे, अलग से diagrams बनाएंगे इनकी, ABD और triangle PQM। हमें क्या दिया गया है? AB by PQ, AB by PQ बराबर है BD by QM, right? और तीसरा AP, AD by PM, okay? जब दो ट्राइंगल्स में तीन साइडों का रेशियो बराबर होता है तो वो ट्राइंगल्स बाय साइड 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 सिमिलैरिटी से सिमिलर होता है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट यहां पे, AB by PQ is equal to BD by QM is equal to A AD, AD है यहां पर AD by PM, कहां से लाया? From equation first। तो हम लिख सकते हैं from equation first, क्या तीनों corresponding sides के ratio बराबर है तो हम क्या लिखेंगे? Therefore by साइड 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 सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम, जब सिमिलर होंगे तो एंगल बी होगा बराबर एंगल क्यू, ठीक, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे? आएंगे वापस पूरे ट्राइंगल्स की तरफ, दो ट्राइंगल्स की तरफ, अपना ट्राइंगल ए बी, ए बी सी और अपना पूरा ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें दिया गया है ए बी बाई पी क्यू बराबर है बी सी बाई क्यू आर और एंगल बी अभी हमने प्रूव किया सेकेंड इक्वेशन में,
ट्रू किया एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों का एंगल सिमिलर हुए। ओके तो लिखेंगे इसको पहले इरेज करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, ए बी डिवाइडेड बाय पीक्यू इज इक्वल टू बीसी बाय क्यूआर, ये कहां से गिवन था हमें, और अभी हमने प्रूव किया एंगल बी बराबर है एंगल क्यू, ये कहां से लाए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो लिखेंगे देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू